बगड़ो कंछवा केम छो कस्त भान्यो कसकाए। आई होप आप घर पे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कंजूसी किए बगैर रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो प्रेस कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं आपको इंश्योर करती हूँ कि आपको कोई भी दुख या पछतावा नहीं होगा चैनल सब्सक्राइब करके। तो दोस्तों आज मैं अपने गांव आई हूँ जीवाई, और जीवाई का भ्रमण हम आपको कराने वाले हैं। पीछे आपको दिख सकता है सुंदर सा व्यू दिख रहा होगा, साथ ही जीवाई का व्यू पॉइंट भी ये है और कुछ बच्चे आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए आज जीवाई का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि जीवाई गाँव में क्या क्या चल रहा है। और देखिए ग्रास ओवर कितने मज़े से बैठा है, कैमरामैन अभिषेक जुयाल द्वारा बहुत ही बेहतरीन शॉट। दोस्तों इसी व्यू पॉइंट से दिखता है हमारे पास का गांव, और ये गांव है बापता। और इस गांव के बारे में आपने बहुत सुना होगा क्योंकि मुझे पता है आप नेगी एंड फैमिली वाले नेगी जी को भी देखते हैं, और उनका गांव भी यही पास में है। जैसे कि हमने बताया था कि हम पड़ोसी गांव के लोग हैं। तो ये देखिए बापता का खूबसूरत सा नज़ारा, साथ ही इस साइड से तो बस यही दिखता है, अगर उस पार है तो बिरगणा है और बाकी गाँव है। बिरगणा में रोड गई है, बाकी आपको पता है थलीसेन हम रहते हैं, वहाँ तक रोड पहुँची है। तो दोस्तों इन बच्चों ने हमें डराया हुआ है कि यहाँ से ऊपर मत जाना क्योंकि जंगल है और यहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं। सच में रहते हैं? हाँ। क्या किसी को देखा आज तक आपने? हाँ। कहते देख हैं वो हिरन बहुत चीज रहते हैं। तो हिरन हिरन से थोड़ी ना डर लगता है? बाघ देखा कभी? हाँ ऊपर रहता है। ना यार कहाँ पे देख, कहाँ पे देखा तूने? रहता है ऊपर। चीते भी यार रखे हैं? ना यार सो दीदी बोल यार ऐसी डरा रहा है ना हमको ना। वैसे ये सही बोल रहा है क्योंकि मम्मी एक बार मम्मी कहानी सुनाती है कि वो जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी इसी, और वहाँ पर भालू सोया हुआ था और ताई जी और मम्मी थी और वो चुपके से फिर निकल गई। तो गांव के जंगलों में बहुत सारी चीज़ें रहती है, खासकर रेख जिसके बाल बहुत बड़े होते हैं आगे और वो उसके बड़े बड़े नाखून होते हैं और वैसे फाड़ देता है। ये कहानियाँ बहुत सुनी है और बहुत केसेस ऐसे आए कि रेख ने महिला को मार दिया, ऐसे कहानियाँ आती है ना, तो ये सच है। एक दिन मेरे लकड़ा फड़िया था ना, तो एक दिन वक जाना से तो वक बोलो उड़ियार था, तो बाकी वक छोड़ी उड़ियार यानी जहाँ रिक रहता है। हाँ भालू रहता है दोस्तों। हाँ चले हम वहाँ। हाँ मैन वर्सेस वाइल्ड हो जाए एक बार। हाँ चलिए दोस्तों यहाँ गांव में जंगल में रिक रहता है। और दोस्तों जंगल के सामने ही ये खेत है, मतलब सटे हुए, तो जंगली जानवर जो होते हैं सुअर बंदर वो खेतों में आ जाते हैं और उन्हें डराने के लिए यहाँ पर डरोना भी लगाया गया है जिसे स्केयर क्रॉ बोलते हैं और पहाड़ी में बोलते हैं डरोना। तो डरोना ना लगाया जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिर्च बहुत ज़्यादा होती है, मरचूड़ा जिसको हम बोलते हैं, खेती नाम रखा है और सबसे ज़्यादा मिर्च की खेती यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा झंगोरा मंडुआ ये सब यहाँ पर उगाए जाते हैं, अखरोट के पेड़, माल्टे, फ्रूट्स में देखें तो माल्टे लिम्बे सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए एक और प्यारा सा सिनेमेटिक शॉट लेते हैं अभिषेक जुयाल द्वारा। अभिषेक ने बोला है बार बार मुझे क्रेडिट दिया जाए तो इसीलिए क्रेडिट दे रही हूँ, ही व्हाट्सएप वाला। दोस्तों सिनेमेटिक शॉट लेने के चक्कर में हाथ में खुजली घास लग गई, बहुत खुजली हो रही है तो ध्यान रखिएगा, ऊपर एक खुजली घास थी उस पर हाथ मत लगाना ठीक है। बीड़ोपा को बारमासा, बहुत ही प्रसिद्ध गीत। चलिए अब हम मिर्च के खेतों में चलते हैं और जैसे कि मैंने टाइटल लिखा है मिर्च के खेत दिखाएंगे, तो चलिए मिर्च के खेतों में। तो दोस्तों मिर्च के खूबसूरत खेतों में फाइनली हम पहुंच चुके हैं और देखिए कितना स्मार्ट आइडिया है, मिर्च इसीलिए उगाई जाती है क्योंकि जानवर मिर्च नहीं खाते हैं। लेकिन बाकी खेती कैसे करेंगे, जानवर सब कुछ खा जाते हैं, तो चलिए हमारे साथ मिर्च तोड़िए। और हम मिर्च तोड़ के ये अंकी ने धोती सा पहना हुआ है इसमें हम डाल देंगे, मिर्च तोड़ी और धोती में डाल दी, कितना अच्छा स्टाइल है देखिए इनका।
तो दोस्तों अब आ गई है मिर्च के खेत की मालकिन दादी जी, जो कि अपने मिर्च के खेत देख के बड़ी खुश हो रही है, लेकिन साथ ही हमें कह रही है कि तुमने मिर्च के पौधे कुचर तो नहीं दिए अपने बड़े बड़े पैरों से, क्योंकि मिर्च के पौधे बेहद नाजुक होते हैं। तो मैं वो भी बताऊंगी आपको कैसे मिर्च के पौधों को बचा बचा कर चलना है। और दादी ने हमें ये भी बताया कि मिर्च जो होती है हाईएस्ट 300 रुपए किलो वो बेचते हैं, लेकिन जब क्वालिटी कम हो जाती है तो फिर वो 150 रुपए किलो भी बिकती है, लेकिन बड़ी मेहनत है दोस्तों मिर्च उगाने में। और देखिए आपको संभल संभल कर चलना है, और ये एक अच्छा आइडिया है क्योंकि गांव में अगर आप मिर्च उगाते हैं तो आजकल सुअर भी है, तो फिर वो आपको आपकी खेती को नष्ट नहीं करेंगे। कक जाना दादी तुम? कक जान दादी मी गयो म लॉक डांगम डांग डांग के हुंद पुंगड़ पुंगड़म पुंगड़ा पुंगड़ा जाड़ा छे दादी पुंगड़ा पुंगड़ा। ए दादी कहां से लग रही है, इतनी जवान नहीं लग रही आपको? पतली दादी अपनी फिटनेस का राज बताओ, इतने पतले माखन बन जाई के मा का दगड़ कंचा बात वीडियो वीडियो मिल वाले इधर पतला कन के हुई तुम। अरे दादी तो पतली छ कन के छ दादी पतली है तो से दादा दे आप मांग तो दाद भी बन जाल मोटी वाच कृष्णा नवड़ी। अच्छा कौन हूं मैं, पहचानो मुझे। पहचानो सकल पहचान बनो नहीं आने यार का रे याद केक लोड छु बताओ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मित एकदम एकदम आए तो छा मी तुम्हारे घर में ब्याह छा ही वो नहीं छोटो लो बड़ो रोलो पढ़ाई कनु छयो जद मी वे मा गो बिनम ना बिनम गो डॉक्टर हम आता गो हम। तो दादाजी को पूछते हैं जीवई के बारे में कि पहले कैसा था और अब कैसा है, दादाजी बताओ। हाँ तो वो कूड़ भी खा लो आया वो भी नौकरी कर दी फुने रही आज कल छुट्टियों मान छ तो यो लॉकडाउन में कोई आनो छ नहीं था बस बस तब ये कूड़ भी खा ली चाहिए भितर यो भाई साहब रहने वो पल्ला भितर छ पल्ला कूड़ बाता ये पल्ला कूड़ छ वो भी एक मोह रहे ना दाना दाना ही रहनी सर जो आनी थी पल्ला मोह। अच्छा वो जो आनी थी। अच्छा ये एक पार में रहनी कितनी घर बचे कितने मोह बची थी अगर? अरे बा अरे बा कमी थी आप तो कमी थी अब इतनी गाँव में थी था खाली 70-80 मावा सब मिला ला कुल। पहले कितने थे? पहले तो 250-300 मावा से थे 250-300 परिवार थे और अब 70 परिवार यहाँ पे रहते हैं। बस जब ब्यो बंद के होंगी ना तब चलन पता कि कती थे हमारा गाँव में। और 70 परिवार जो रहते हैं वो क्या काम काज करते हैं यहाँ पे? अरे वो तो उगलोड़ा कैक मालिक सब फुने रहनी भैया तो वही रहनी जो हम वही रहनी जो हम निकल जा छुआ। अच्छा हैं काम काज कुछ नहीं खेती च बस। पलायन उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या है और जो वृद्ध लोग हैं वो गांव में रह जाते हैं, युवा सब नौकरी के लिए चले जाते हैं। उत्तराखंड प्रशासन को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। कहते हैं खेती कीजिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि खेती तो नष्ट हो जाती है तो उस पर कहते हैं कि हम क्या करें, तो पक्की सड़कें बना दें, चौड़ी सड़कें बना दें ताकि यहाँ पर भी कंपनीज और फैक्ट्रीज खुल पाएँ। जहाँ फैक्ट्रीज हों वहाँ पर रोड अच्छी होनी चाहिए। और देखिए वृद्ध इस तरह से अकेले रह जाते हैं यहाँ पर, कितनी बुरी बात है। तो दोस्तों आप बोलते हो मास्क क्यों नहीं लगाते आप, तो मैंने गमछा पहना हुआ है, जैसे कि मोदी जी ने कहा आप गमछा भी पहन सकते हैं। तो चलिए दादी से बात करते हैं, पहले कोरोना के बारे में पूछ लेते हैं। दादी कोई आसपास कोरोना मरीज आ चुका? ना बा ना कोई नहीं, हमारे ग्रीन जोन है यहाँ पर, तो थोड़ा हम मास्क वास्क नहीं पहन रहे। अच्छा दादी आप अकेले रहते हो यहाँ पे? दादी और बच्चा गाजियाबाद रहेंगे, एक बच्चा तो वो एक लड़का थी, मतलब इनका बेटा है और वो गाजियाबाद रहे। गांव आते हैं वो? हाँ ब्याह था यहाँ से। छुट्टियों में आते गाँव? हाँ कभी कभी छुट्टियों में। ब्याह लौट तो दुई बगत आएगा, एक दो हम ठंडियों में जाए घूमना करी तो वो बार धैर गया हम तय
ता आज शिव आज आए तो आज भणजा भी हो तो बैरकोटी आज पल महीना उत्ता भाणवे। तो आप उनके साथ गाजियाबाद क्यों नहीं रहते? हाँ कोई नहीं मरीज कोई नहीं। अच्छा आप गाजियाबाद क्यों नहीं रहते बच्चों के साथ वहीं? अरे तो दान आज गर्मी में मकान के रहना। अच्छा बढ़िया नहीं लगे ना गर्मी में? बहुत गर्मी होनी थी वक्त बहुत तो अर्धा आज दिया मचा मी इच्छा वक्त अर्धा मिल वाल फूका जरा हिटन बैठ गऊँ तो दुई आज में बैठा रहूँ रख गो ना बस बस। ठंडी यहाँ पर होती है तो सब जो वृद्ध है वो गांव में आ जाते हैं और बच्चों को नौकरी करनी होती है तो मजबूरी में, वरना वो भी चाहते थे वो यहीं रुक सकते थे ना। हाँ बा नौकरी दादी क्या क्या सब्जी लगाई तुम अपर खे तुम कम हमारे कुछ ही कहीं बर्जर मार से लगे थे सीधा लग लग बुझे थे बा ना अब थोड़े नहीं जरा मार से लगे थे जीवन। हाँ हाँ सही थी। मैं आपको बता दूँ दादी यहीं पे खेत में काम कर रही थी और गिर गई तो उनका पैर टूट गया था। उसके बाद वो लोकल हॉस्पिटल गई, वहाँ बेचारी एक महीने रही लेकिन कोई भी इलाज उन्हें नहीं मिल पाया। उसके बाद उन्हें गाजियाबाद जाना पड़ा और वहाँ पर 6 दिन में उनका पैर ये ऑपरेशन हो गया। तो कितनी दिक्कत है मेडिकल सुविधाओं की, इतनी दूर दूर जाना पड़ता है ना दादी? बहुत दिक्कत है। वही दिन बैठी पहली हुए जाना ऑपरेशन ना तो मिल ली उसका परेशानी हूँ सर बच गया। हाँ बहुत परेशान हुआ मिल कभी नहीं मिलनी बोलो कि मैं जीवित हूँ। दादी कह रही है दादी को लग ही नहीं रहा था कि वो जिवई वापस भी आ पाएंगी, इतनी परेशान हो गई थी बेचारी। और उन्होंने भी देखिए मिर्च की खेती की है और मैंने बताया था ना मिर्चों का देश, तो घरों पर भी आसपास उन्होंने मिर्च ही लगाया हुआ है। दादी बाय बाय बोलिए। बाय दादी। दोस्तों जिवई बहुत बड़ा गांव है तो अगले पार्ट में मैं आपको और भी खूबसूरत जगह दिखाऊंगी, तिवारी दिखाऊंगी गांव की जो कि हर गांव में होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो घर होते हैं, बहुत साल पुराने 100 200 300 साल पुराने, तो वो सारी जगह दिखाऊंगी, मंदिर दिखाऊंगी। और मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, साथ ही अगर आप गाँव से हैं तो अपने गाँव ज़रूर आइएगा जब भी आपको समय मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते हम है राही प्यार के। क्या बोल रही हूँ मैं? ओके गाइस टेक केयर, बाय बाय, लव यू।